भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल में गंगा का जलस्तर चेतावनी लेवल के ऊपर जा चुका है, जिस वजह से गंगा नदी गांव गांव में प्रवेश कर गई है। बाढ़ का पानी गांव तक घरों तक पहुंच गया है। वहीं सिमरिया को NH 31 से जोड़ने वाली सड़क गोपालपुर प्रखंड में कटकर बाढ़ के पानी में बह गई है, जिस वजह से नवगछिया अनुमंडल का 22 ऐसा गांव है जिसका संपर्क NH से पूरी तरह से टूट गया है। केवल नाव ही सहारा बच गया है आने जाने का। लोग नाव के सहारे ही सड़क पार कर रहे हैं। 32 फीट सड़क जो है वो कटकर बाढ़ के पानी में बह गई है। दरअसल यह सड़क जो है आज से 7 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनवाई गई थी, लेकिन बाढ़ के पानी के दबाव के कारण यह सड़क अब पानी में बह गई है, जिस वजह से हजारों की आबादी जो है वो प्रभावित हो गई है। हम लोगों को बहुत असुविधा हो रही है, आने जाने का बहुत कष्ट हो रहा है। अभी कैसा आवागमन कर रहे हैं? अभी मुखिया जी के द्वारा दिया गया है नाव, उसी से आ जा रहे हैं। फिर भी नाव ही आखिरी सहारा है। हाँ, नाव ही आखिरी सहारा है। कितने लोगों को आबादी इससे प्रभावित हुआ? इस तरह लगभग 3000 के लमसम होगा। इस पंचायत का? इस पंचायत का, सुकटिया बाजार पंचायत में। परसों टूटा रात में, और जाने आने में दिक्कत। नाव दिया है मुखिया जी। इस सड़क कहाँ से कहाँ तक है? ये NH तक। NH 31 तक? हाँ। अब कैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं आप? ऐसे नाव के द्वारा जा रहा है, इस बगल टप के वो बगल। ये सड़क मुख्य सड़क है सिमरिया चौक से लेकर NH 31 जाने के लिए। PMY का है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके अंतर्गत इसमें आज 6-7 साल से ये रोड था, इसमें भमरा का कहीं निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण पानी का दबाव उस तरफ ज़्यादा हो जाता है। आ इस तरफ धार पड़ता था, इसलिए इसका पानी का रिसाव होते होते धीरे धीरे ज़मीन के तर से पानी निकासी हुआ और रात में बह गया पानी। कल रात्रि में हुआ है? कल नहीं, परसों 3 बजे भोर में तकरीबन हुआ है। इससे सर 10 से 15 हज़ार आबादी बाधित हुए हैं, जिसको आना जाना रोज़ नगोछिया, भागलपुर, कटिहार, जहाँ भी जाना होता था कुर्सेला, इसी रूट से जाना आना होता था। इससे अभी ग्रामीण तत्काल नाव का प्रबंध किए हैं, तो कुछ ही आदमी जा रहे हैं, ना ही बाइक टप रहा है ना फोर व्हीलर टप रहा। क्या गांव की आबादी, कितने गांव और कितने आदमी की आबादी? इस गांव की आबादी लगभग यहां पर अभी 2200-2300, इस मेरे पंचायत में लगभग 2200-2300 का आबादी यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। ये कटा है, गोपालपुर में पड़ता है, ये गोपालपुर क्षेत्र में है, ग्राम अजमाबाद, पकड़ा टोला, मुख्य सड़क। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम पदाधिकारी लोग से बात किए हैं, आश्वासन दिए हैं, कह रहे हैं आ रहे हैं, और सर इस पर मेरा प्रयास, इस तमाम जनता का प्रयास है कि इस जगह स्विच गेट का निर्माण हो जाए, तो हम लोग सुखद महसूस करेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग का एक सड़क कुछ लंबाई में गंगा के पानी के प्रवाह से कट गया है। वहाँ विभागीय अभियंतागण भी गए थे, अंचलाधिकारी को उसकी जानकारी है। तो पकड़ा एक गांव है, उसके लोग, वहाँ के लोगों की आवाजाही उससे प्रभावित हो रही है। स्थानीय तौर पर वहाँ नाव की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों का आवागमन प्रभावित हो। कटाव स्थल के दोनों तरफ अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि लाल झंडा वहाँ लगवा दें, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ सड़क में कटान है। कब ये हुई सर? ये आप लोग के माध्यम से ही बताया जा रहा था, अंचलाधिकारी के द्वारा भी बताया गया कि ये घटना परसों की है, और उस समय से स्थानीय स्तर पर वहाँ एक नाव चलाया जा रहा है, तो उससे बहुत बड़ी आबादी प्रभावित नहीं हो रही है। अधिकांश लोगों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता है, हालांकि उससे थोड़ी दूरी अधिक होगी, लेकिन पकड़ा के लोगों के लिए केवल यही एक रास्ता था, तो वहाँ नाव की व्यवस्था था। गंगा का दबाव किस तरह का है अभी? अब सभी लोग जानते हैं कि जहाँ ये सड़क है वहाँ कोई तटबंध नहीं है, गंगा वहाँ खुली हुई है, तो पानी बढ़ने के
कारण वहाँ दबाव पड़ा है जिसके कारण रोड में कटान हुआ है, लेकिन अभी स्थिति में सुधार हो रहा है, गंगा का जलस्तर घट रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को जो समस्या हो रही है वो समस्या दूर हो जाएगी। स्थानीय स्तर पर वहाँ पर मुखिया के द्वारा नाव की व्यवस्था करवाई गई है, जिसके माध्यम से फिलहाल जो है लोग उस सड़क पर आर पार जा पा रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।